के बाद आज रांची में विपक्ष के नेता एक मंच पर होंगे। रांची में जेएमएम की ओर से प्रभात तारा मैदान में उलगुलान न्याय रैली का आयोजन। इस रैली में आईएनटीआईए गठबंधन में शामिल सभी दलों के नेता मौजूद रहेंगे। दिल्ली की रैली में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को बड़ा मुद्दा बनाया गया, तो रांची में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर विपक्षी नेता बीजेपी की सरकार को घेरेंगे। देखिए, झारखंड में सियासत का आज सुपर संडे है। आईएनटीआईए की ओर से उलगुलान न्याय महारैली का यह आयोजन, और अब तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देखिए। अब लोगों का जुटान होना शुरू हो चुका है। इस भीषण गर्मी में भी लोग प्रभात तारा मैदान पहुंच रहे हैं इस रैली में शिरकत करने को लेकर। कई दिग्गजों का जमावड़ा और एक तरीके से लोकसभा के लिए शंखनाद आज इस मंच से। इससे पहले हमने दिल्ली में आईएनटीआईए का साझा जो है एक तस्वीर हमने साझा की थी, जहां पर हमने देखा था कि तमाम दिग्गज एक मंच पर हमें नजर आए थे। आज वापस से यही तस्वीरें राजधानी रांची के मंच पर दिखाई देने वाली है, जहां पर कई दिग्गज एक साथ शिरकत करने वाले हैं। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के विरोध में आज ये उलगुलान न्याय महारैली का आयोजन रांची के धूरवा स्थित प्रभात तारा मैदान में आयोजित किया गया है। जहां पर बात करें तो राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, भगवंत सिंह मान, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव के भी आने की संभावना है। साथ ही साथ इस रैली में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी भी शामिल होंगी। आपने प्रभात तारा मैदान की तस्वीरें देख ली हैं, और अब आपको सीधे लिए चलते हैं बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, जहां से हमारे साथ संवाददाता अजय लाल लगातार बने हुए हैं। अजय, अब और क्या कुछ अपडेट, अब कौन से ऐसे मेहमानों की लिस्ट जो अब तैयार हो चुकी है आने की? देखिए सुष्मिता, मेहमानों की जो लिस्ट आपके पास है प्रभात तारा मैदान में आने वाले आईएनटीआईए के नेताओं का, उसमें से कोई भी बड़ा चेहरा अब तक नहीं दिखा है जी। एक जो इस वक्त की ब्रेकिंग खबर यह है कि लालू प्रसाद इस रैली में नहीं आ रहे हैं। कल शाम तक यह चर्चा थी कि लालू प्रसाद रैली में शामिल होने आएंगे, लेकिन अब जो जानकारी मिली है कि पटना से राजद के बड़े नेता तेजस्वी यादव ही इस रैली में शामिल होंगे। लालू प्रसाद इस रैली में नहीं आ रहे हैं, इस वक्त की ब्रेकिंग खबर है। और जिन लोगों के आने का सूचना है, आने की सूचना है, वो तमाम चेहरों का इंतजार हो रहा है रांची एयरपोर्ट पर। ऐसे नेताओं के स्वागत के लिए हमने देखा कि राज्य के मंत्री बन्ना गुप्ता, साथ ही कांग्रेस के बड़े नेता सुबोध कांत सहाय सहित कई बड़े नेता एयरपोर्ट के भीतर गए हैं। हो सकता है मूवमेंट होने को है। रांची से जो फ्लाइट, दिल्ली से जो फ्लाइट आने वाली है, उसका लगभग कई फ्लाइट तो आ चुके हैं, लेकिन जो 1 बजे फ्लाइट आती है, मुझे लगता है कि उससे ज्यादातर नेता आएंगे। आपने जिन नामों की चर्चा की अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी के बारे में, उनके आने की सूचना है, लेकिन कब तक वो आते हैं वो देखना होगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, उनका भी आना लगभग तय है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अब तक किसी भी बड़े चेहरे को रांची में नहीं देखा गया है, कम से कम आईएनटीआईए की रैली में शामिल होने के लिए। मुझे लगता है कि अब से थोड़ी देर, 12:30 या फिर 1 बजे के आसपास मूवमेंट काफी तेज होगा, और तमाम जो भी लिस्ट है, जो भी नेता आना है वो आएंगे, और उसके बाद रैली की विधिवत शुरुआत होगी। सुष्मिता, अजय, और कौन कौन से लोग पहुंचे थे झारखंड से? जो तरीके से आपने बताया कि मंत्री बन्ना गुप्ता वहां पर पहुंचे थे, और कौन कौन से शीर्ष नेता वहां पर पहुंचे हैं अजय? देखिए, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता कांग्रेस के नेताओं को रिसीव करने के लिए रांची एयरपोर्ट के भीतर गए हैं जी। साथ ही सुबोध कांत सहाय भी एयरपोर्ट के भीतर गए हुए हैं। हाँ। कई के राजेश ठाकुर भी मीडिया से बात कर रहे हैं, वो भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी रांची एयरपोर्ट पर आए हुए हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनसे हमारी बातचीत हो सके।
प्रदेश अध्यक्ष है राजेश ठाकुर जी, कांग्रेस के बड़े नेता है। थोड़ा सा किनारे हो जाइए भैया, थोड़ा सा बिल्कुल। पार्टी के बहकाए हुए, भारतीय जनता पार्टी के दिए हुए एजेंडे पे सवाल पूछते हैं। आज लड़ाई इस बात की है कि जो भारत की निकम्मी सरकार है, जिसके बस का कुछ नहीं रहा, 10 सालों तक आप सबों से मुखातिब तक नहीं हुए, आपके एक सवाल का जवाब नहीं दिया, आप तमाम सवाल हम ही से पूछते हैं, तो उसका जवाब ये है कि झारखंड के लोगों ने जिस मुख्यमंत्री को चुना था, उसको केंद्र सरकार ने साजिश करके जेल भेजने का काम किया। उसी तरह दिल्ली में जिस तरह से लोगों ने अपने मुख्यमंत्री को चुना था, उसको जेल भेजने का काम किया था। उस आक्रोश को हम लोग एकत्रित करके, जो निकम्मी सरकार है, जो आप कहे, और आप जानते हैं कि जब हम लोग भारत को आजाद कराने की लड़ाई लड़ रहे थे महात्मा गांधी के नेतृत्व में, जो महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गौडसे के चाहने वाले लोग और पूजा करने वाले लोगों से हमारी लड़ाई है, उन तमाम लोगों को आज जवाब देने का दिन है। हम समझते हैं झारखंड के में जब भी कोई उलगुलान हुआ है तो पूरा देश देखा है, और हम समझते हैं आज देश देखेगा कि किस तरह का उलगुलान है। देखिए, जो प्रधानमंत्री पीड़ित नेता हैं, वो इस तरह की बात कर रहे हैं। जो 14 सालों तक जिनको बनवास देने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने, आज वो अपने आप को स्टेब्लिश करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के सामने ये बताने के लिए कि हम आपके लॉयल हैं, कल तक तो 14 वर्षों तक तो हमारे साथ रहे हैं, उनकी बातों की कोई अहमियत नहीं है। उन्होंने पहले भी कहा था कि जब कुतुब मीनार, जब भारतीय जनता पार्टी में जाने से अच्छा होगा कुतुब मीनार से कूद जाना, और जब कुतुब मीनार से आदमी कूदता है, जो उसकी हालत होती है उसी हालत में वो बयान देते हैं, उनकी चर्चा ना ही करें। बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल। राजेश ठाकुर पूरे रैली को लेकर अपना बयान दे रहे थे, आप बने रहिए एयरपोर्ट पर और तस्वीरें हमारे साथ साझा करते रहिए। देखिए हमारे साथ प्रभात तारा मैदान से संवाददाता सनी और राकेश दोनों जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सवाल राकेश से कर लेते हैं। राकेश, देखिए प्रभात तारा मैदान में ये आयोजन हो रहा है, INTIA के तमाम शीर्ष नेता आज इस मैदान में पहुंचेंगे और एक शंखनाद कह सकते हैं लोकसभा चुनाव का है। अभी अजय लाल तस्वीरें हमारे साथ साझा कर रहे थे एयरपोर्ट की, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के राजेश ठाकुर पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब आज इस मंच से देने की कोशिश की गई है। राकेश, बिल्कुल, देखिए उसी को लेकर ये पूरी तैयारी की गई है, और पूरी जो महारैली है उसके केंद्र बिंदु में अगर आप देखेंगे तो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे, दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री जो है, जो लाल सलाखों के पीछे अरविंद केजरीवाल, उनको रखा जाएगा, और उसी के इर्द गिर्द ये पूरी महारैली जो है उसको फोकस किया गया है। देखिए रैली में आने के लिए लोगों का सिलसिला शुरू हो चुका है, तमाम झारखंड के अलग अलग जिलों से जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो समर्पित नेता हैं, जो सिंपैथाइजर्स हैं, वो इस रैली में पहुंच रहे हैं। बड़ी तादाद की बात कही जा रही है, ये दावा किया गया है महागठबंधन के तरफ से, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं के तरफ से सुष्मिता, कि कम से कम इस रैली में 5 लाख भीड़ जुटने की बात कही जा रही है। और पूरे रैली के सफल आयोजन को लेकर अगर आप देखें तो एक साझा प्रयास किया गया, जिसमें JMM के तरफ से चूंकि इस पूरी रैली को लीड किया जा रहा है, तो वहीं कांग्रेस का भी पूरा सहयोग है, RJD के तरफ से भी पूरा सहयोग है। देखिए बैनर पोस्टर को लेते हुए आम आदमी पार्टी के ये कार्यकर्ता जो हैं वो पहुंच रहे हैं, हालांकि चुनाव का वक्त है, आदर्श आचार संहिता भी लागू है, तो ऐसे में इन चीजों को भी चुनाव आयोग को देखना होगा। और चुनाव में लहर है महागठबंधन का, 14 का 14 सीट हम लोग ऐतिहासिक मतों जीतेंगे, एक भी सीट नहीं मिलेगा, चूंकि 10 बरस उन लोग को मौका मिला है ना, 10 बरस में कौन सा काम होगा बताइए, काम काला धन आया, महंगाई कम हुआ, जो गांव गोद लिया गया वो गांव में कुआं चुआ कुछ बना, कौन काम हुआ? क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है, कुछ विरोध नहीं कर रहा, कोई विरोध कहीं नहीं है, हम लोग सब एकजुट हैं, चटानी एकता के साथ हैं। चतरा में क्या होगा? चतरा भी हम लोग जीतेंगे। तो ये सत्यनारायण भोक्ता जी हमारे साथ है, न्यूज 11 प्रसार लाइव है। सर, इस रैली में जो मैसेज देने की? हाँ बिल्कुल, सुरेश पासवान जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का नारा है, देश बचाओ भाजपा भगाओ का नारा है, इसलिए इस बार इंडिया महागठबंधन का जीत हो रहा है, और इस बार देश पर कब्जा होगा, लाल किला पर कब्जा। कुछ रैली में भाषण होगा, क्या एजेंडा है? देखिए हमारे जो भावी मुख्यमंत्री बिहार और युवाओं के नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी,
उनके देखने के लिए, उनके सुनने के लिए लाखों लाख लोग आ रहे हैं। सर, आप लगातार भाषण देते रहे हैं कि 5 साल मुफ्त राशन, मुफ्त भाषण, क्या है मामला? सरकार का भी उपलब्धियां हम लोग गिनाएंगे और उनका जो विफलता है वो भी गिनाएंगे। क्या विफलता रही है? विफलता है कि जितना 14 में घोषणा हुआ, 19 में घोषणा हुआ, कोई काम नहीं हुआ। बिल्कुल राकेश, तो देखिए अब कार्यकर्ताओं का ये महाजुटान है। सत्यानंद भोक्ता को भी हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा है कि अब जिस तरीके से ये शंखनाद होगा और 14 की 14 लोकसभा सीटों पर INDIA का ये कब्जा। हमारे साथ देखिए प्रभातर मैदान से संवाददाता सत्यव्रत भी जुड़े हुए हैं, जो लगातार हमारे तक तस्वीरें पहुंचाने का काम करेंगे। सत्यव्रत, अगर बात करें तो आज INDIA के तमाम शीर्ष नेता वहां पर पहुंचेंगे। तस्वीरें राकेश भी दिखा रहे प्रभात तारा मैदान की, क्या कुछ तैयारियां हैं? आप जहां पर मौजूद है वहां क्या कुछ भीड़, क्योंकि दावा किया गया है 5 लाख से ज्यादा भीड़ आने वाली है इस बार? बिल्कुल सुष्मिता, राजधानी रांची में महागठबंधन दलों की महाजुटान, और आप लोकसभा चुनाव के वक्त इसे विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन भी मान सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि फिलहाल राज्य भर से झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्ता है वो पहुंचे हैं और अपने साथ जो है वो फेस मास्क लेकर पहुंचे हैं, और यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि भले ही एक हेमंत सोरेन को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार भेज दिया गया हो, लेकिन राज्य भर में कई सारे हेमंत सोरेन हैं। आज जो मास्क लगाकर हेमंत सोरेन की आप लोग इस रैली में भाग लेने पहुंचे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? हम लोग मैसेज यही देना चाहते कि एक हेमंत को जो जेल में बंद रखा है, हर गली गली हेमंत सोरेन पैदा हो रहा है, हर जगह हेमंत सोरेन पैदा हो रहा है। वो एक हेमंत सोरेन जी के समर्थन में हम लोग आए हैं। हेमंत सोरेन जी को जो बंद किया है, लाखों करोड़ों हेमंत सोरेन झारखंड राज्य में हो गया है, हम लोग हेमंत सोरेन के समर्थन में आए हैं। कहाँ से पहुंचे जी? कहाँ से आए हैं? हम लोग उदुआ प्रखंड से आए हैं। मास्क लगाए हैं, क्या मैसेज देना है, क्यों लगाया आपने ये मास्क? उलगुलान न्याय रैली के लिए, महारैली के लिए हम लोग सब दूर दूर से आए हैं न्याय दिलाने की, करने के लिए सब न्याय की इसमें चलेंगे। सुष्मिता, मैं आपको तस्वीरों में दिखाता हूं कि राज्य ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से भी जो विपक्षी दल के लोग हैं वो पहुंच रहे हैं, और लगातार लोगों के आने का जो सिलसिला है वो जारी है। रांची के प्रभात तारा मैदान की अगर बात करें तो 3 बड़े बड़े पंडाल बनाए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सत्यव्रत हमारे साथ जुड़ने के लिए, राकेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अजय लाल आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये तस्वीरें हमारे दर्शकों के साथ साझा कर